Hi guys, मैं हूँ छवि मित्तल और Being Woman with छवि में आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्रेगनेंसी में वेट गेन तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ वेट गेन ऐसा होता है जो अनहेल्दी होता है. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें ना करके आप ये अनहेल्दी वेट गेन अवॉइड कर सकती हैं? आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी. But before I begin, please subscribe to Being Woman with Chhavi and don't forget to hit the bell icon in order to stay notified whenever I upload a new video. जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और किसी के घर खाना खाने जाती हैं, या फिर आपके अपने घर वाले आपको पैम्पर करने के लिए आपको बार बार ये बोलेंगे कि अब तो तुम प्रेग्नेंट हो, जो खाना चाहो खा सकती हो. बट नो, प्लीज डोंट ईट जंक फूड, यानी कि पिज्जाज, बर्गर्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, मॉल का खाना, ये सब जंक फूड होता है. इसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिकॉज याद रखिए, इससे ना आपको फायदा होगा ना आपके बेबी को, होगा तो सिर्फ अनहेल्दी वेट गेन, जिसे लूज करने में आपको उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम और हो. प्रेगनेंसी के दौरान हमारे सारे चाहने वाले वेल विशर्स हमें लड्डू भेजते हैं, मिठाइयाँ भेजते हैं, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं, राइट? लेकिन प्लीज प्रेगनेंसी में प्रोसेस्ड शुगर डेफिनेटली अवॉइड कीजिए. प्रोसेस्ड शुगर यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें नेचुरल शुगर नहीं है बल्कि ऊपर से डाली गई है, यानी कि केक्स, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, खीर, फिरनी, लड्डू, गुलाब जामुन, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एडवाइजेबल फॉर यू, बिकॉज इन सब चीज़ों से ना सिर्फ आपका वेट बढ़ेगा, अननेसेसरी वेट बढ़ेगा, इसके अलावा आप यू ऑल्सो पुट योर सेल्फ एट द रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज. यू डोंट वांट दैट. मैं समझती हूँ प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब एक माँ को अपनी सबसे अच्छी हेल्थ में होना चाहिए, यानी कि द पिंक ऑफ हर हेल्थ. और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अनहेल्दी वेट गेन ना करें. और उसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप रोज़ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें. आराम करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है. सो मेक श्योर दैट एवरी डे फॉर एन आवर एटलीस्ट यू पुट इन सम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. आप वॉक कर सकती हैं, आप स्विम कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं. देर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस नाउडेज, बट डेफिनेटली अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए कि आपको ये सारी एक्सरसाइजेज अलाउड हैं या नहीं. एंड ऑल द बेस्ट विद इट. एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो है आपका खुश रहना. अगर आप खुश रहेंगी तो आप अपना खाना बेटर डाइजेस्ट करेंगी और आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा और आप अननेसेसरी अनहेल्दी वेट गेन बिल्कुल नहीं करेंगी. सो डेफिनेटली स्टे हैप्पी. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेबी एंड फॉर योर जनरल हेल्थ. एक और चीज जो आपने सुनी होगी अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो ये है कि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको दो लोगों के लिए खाना खाना है. वेल, दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि आपका बेबी अभी बहुत छोटा है. नो मैटर हाउ फार अलॉन्ग इन योर प्रेगनेंसी यू आर, इसलिए जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही खाइए. और क्वालिटेटिव कैलोरीज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटेटिव कैलोरीज, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी में खाना खा रही हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या खा रही हैं. तो अपने विटामिन्स का ध्यान रखिए, मिनरल्स का ध्यान रखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जंक मत खाइए. और इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो ना सिर्फ आप अनहेल्दी वेट गेन अवॉइड कर सकती हैं बल्कि जनरली यू विल हैव अ हेल्दियर प्रेगनेंसी. आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड शेयर इट विद अ प्रेग्नेंट फ्रेंड ऑफ योर्स और एनीबडी हु इज़ प्रेग्नेंट इन योर फैमिली और इफ समवन्स प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद छवि एंड हिट द बेल आइकॉन सो यू ऑलवेज स्टे नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. दिस इज मी छवि साइनिंग आउट. लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू.